थैंक यू करती हूँ इंस्टीट्यूट का जो बहुत अच्छा है, थैंक यू करती हूँ मुनव्वर सर का जिनके जिनके द्वारा हम यहाँ पे आए हैं और नई जगह को देखने को मिली है और ये बहुत अच्छा हो। देखिए कुछ इस तरह से देखिए, हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फिर मैं आपके लिए क्या बोलूँ, जितना थैंक यू करूँ उतना ही कम। एंड यू नो वेरी वेल आई ऑलवेज लव टू से, लव टू रिपीट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग, फॉर ऑल द ग्रेसेस ऑन माई हैप्पी यूनिवर्स विद माई हैप्पी यूनिवर्सैलिटी। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं कुछ बोलना चाहूँगी, एजुकेशन इज़ द पावरफुल टूल। बहुत बार सुना है, लेकिन एजुकेशन इज़ रियली अ वेरी यूजफुल टूल। जब कुछ बच्चे अपने टीचर्स को ओबे करते हैं तो वो किस तरह से होते हैं, आज मैं आपको कुछ ऐसा ही बताऊँगी। हमारे वेरी वेरी ओबेइंग स्टूडेंट ऑफ GNM नर्सिंग फर्स्ट ईयर की किस तरह से उन्होंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के डायग्राम्स को ड्रॉ किया और किस तरह से रियल में आपको दिखाऊंगी उनकी हर एक डायग्राम और उनके हर एक डेडिकेशन को। मे फ्रेंड्स, हर स्टूडेंट और हर टीचर, हर एक स्टूडेंट टीचर का एक अपना अपना रिलेशन होता है और वही स्टूडेंट टीचर के लिए बेस्ट होता है जो उसके काम को ओबे करता है और उसके सब्जेक्ट में अच्छा होता है। हर एक स्टूडेंट की रिस्पेक्ट जो है वो हमेशा ही पढ़ने से ही बनती है और टीचर की पढ़ाने से बनती है। तो चलो फिर वीडियो को लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं, बताएंगे बहुत ही अमेजिंग तरीके से कि किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स ने आपके सामने लाइव में भी आपको बताएंगे कि आखिर उनको कितना आता है, आखिर उन्होंने किस तरह के डायग्राम्स बनाई हैं। स्टे ट्यून्ड टू वॉच। अगर आप नर्सिंग में आना चाहते हैं तो हमारे स्टूडेंट से बहुत सा मोटिवेशन आपको मिल सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलती हूँ और दिखाती हूँ आखिर वो कौन है, कहीं वो आप तो नहीं है। तो स्टे सो वेलकम बैक और मिलवाते हैं आपको एक एक स्टूडेंट से और दिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है काम किया है, भाई आपको भी तो पता चले। तो यहाँ पर मेरे साथ है फर्स्ट स्टूडेंट, मेरे पास आ जाइए। तो ये है स्टूडेंट जिसका नाम हर नेम इज मनप्रीत और इन्होंने डायग्राम्स बनाई हैं। आप देखिए बहुत नज़दीकी से, काफ़ी अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको मैं और क्लोज करके दिखाती हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से बिल्कुल नेचुरल डायग्राम्स जो इन्होंने ड्रॉ आउट की हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर रियल नेचुरली जो है इस लड़की ने ड्रॉ की हैं। और अगर मैं मनप्रीत आपसे कहूँ कि आपको ये डायग्राम बनानी पड़ेंगे तो आप बना सकते हैं अभी सबके सामने रियली? तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बताना पड़ेगा हमारी देखने वाली ऑडियंस को कि किस तरह से जो है वो आप उनको बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को भी पता चले देखने वालों को कि आप रियली में ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो। तो चलो फिर आगे आपको बताती हूँ किस तरह से और स्टूडेंट्स ने कैसे कैसे काम किया है। हर नेम इज रमनदीप। अब आप रमन की डायग्राम्स देख सकते हैं, ये इनको मेरे 25 से भी काम करना स्टार्ट किया, नहीं 20 के अराउंड 20 डेट से ही मैंने इनको स्टार्ट किया था काम, जो कि इन्होंने यहाँ पर ड्रॉ की है। तो कुछ इस तरह से इसकी भी डायग्राम्स हैं, आप देखिए काफ़ी नज़दीकी से काम कर सकते हैं और आपको बताएंगे कि किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपका क्या नाम है? सोनिया। तो आप देख सकते हैं सोनिया की भी कुछ इस तरह की डायग्राम्स हैं, बिल्कुल अच्छे से बच्चों ने क्लास में बैठकर फर्स्ट लेक्चर में की है और रियली में अच्छा लगता है ना जब बच्चों के फ्री टाइम में उनको पढ़ने का काम मिल जाए। मैं तो मानती हूँ कि स्टूडेंट्स का मन तो कभी भी पढ़ने के लिए नहीं करता, लेकिन यही तो एक टीचर का स्किल है, हाउ टीचर कैन मेक स्टूडेंट टू स्टडी। सो देखते हैं कि किस तरह से बाकी स्टूडेंट्स ने काम किया है। ये अलग अलग थे सभी बच्चों ने, और ये देखिए कितनी सुंदर डायग्राम इसने बनाई है, यू कैन अप्रिशिएट हर। मनप्रीत आप ड्रॉ कर दो अगर सबके सामने सोनिया है, तो थोड़ा सा कैमरा शाइन है स्टूडेंट्स, तो प्लीज आप इन शाइनेस में जज आउट ना करना, आप इनके काम को देखिए। नेक्स्ट है कम हियर, क्या नाम है आपका? महिमा। हर नेम इज महिमा। महिमा ने बनाए हैं टिश्यू खाने एकदम। अमनदीप कौर। अमनदीप क्या समझते हैं आप ऑर्गेनिक फिजियोलॉजी को? जो भी वो कैसे वर्क करते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्या नाम है?
काजल। तो ये है काजल की डायग्राम्स जो कि काफ़ी अच्छी इसने ड्रॉ की हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की डायग्राम्स हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट जिस तरह से सभी स्टूडेंट्स ने बनाई है, क्या नाम है आपका? मीनू। अब यहाँ पे आप इसकी भी डायग्राम्स को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से इन्होंने बनाई हुई है। धीरे धीरे आते आते पहुँचेंगे कुछ इस तरह की रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ईसोफेगस की, अलग अलग से स्टूडेंट्स ने जो है वो डायग्राम्स को टिश्यूज तक जो है वो ड्रॉ किया है। आई होप यू आर रियली सी कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि कितनी ज़्यादा मेहनत बच्चों ने की है। क्या नाम है आपका? हर नेम इज जैस्मिन। जैस्मिन समझ आता है नॉर्मली आपको? चलो नेक्स्ट है। अलग अलग तरह के सभी बच्चों की मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स है कि थोड़ा सा लंबा टाइम हो रहा है। मेरे फ्रेंड्स, हम वीडियो कॉन्टेंट के साथ कभी भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमारी वीडियो हो सकती है थोड़ी सी बड़ी हो जाए, थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन हाँ, हम हर स्टूडेंट को कवर अप करेंगे ताकि बच्चों को इक्वली सभी को एप्रिसिएशन मिले। क्योंकि जब भी हम स्टूडेंट्स को या किसी भी पर्सन को एप्रिसिएशन देते हैं ना उनके काम का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे क्या होता है, उससे ये चीज़ होती है कि उनका जो है ना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ बिलीव बढ़ता है, कहीं ना कहीं इंटरनली बहुत सा मोटिवेशन मिलता है और कहीं ना कहीं वो लाइफ में ग्रो करते हैं। तो भाई एप्रिसिएशन तो बनता ही है ना, आपको भी एप्रिसिएशन देना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, और प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर कर देना ना कि जब भी कोई इस वीडियो को देखे तो वो आपको थैंक यू बोले। तो ये हो गए हमारी कुछ अगली डायग्राम, एंड ये है मुस्कान। और मुस्कान की डायग्राम्स भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे सुंदर लगी। नीट एंड क्लीन सभी बच्चों की बहुत अच्छी, हर बच्चे के अंदर अपना कोई ना कोई क्रिएटिंग चैलेंज है। अगर आपके अंदर भी कुछ इस तरह का चैलेंज है जो आप बताना चाहें, तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपनी कोई रिक्वेस्ट वीडियो, क्योंकि हम हर स्टूडेंट को कहीं ना कहीं मोटिवेट करना चाहते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ द बेस्ट पावरफुल टूल। अगर हम कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम हर एक को मोटिवेट कर सकते हैं, तो आई होप कि आपको इन स्टूडेंट्स की डायग्राम्स को देखकर काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वन ऑफ द ग्रेट मोटिवेशन टू ऑल अपकमिंग स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट इन नर्सिंग प्रोफेशन। बिकॉज नर्सिंग प्रोफेशन इज अ नोबल प्रोफेशन, बट इट्स अप टू अस कि हम इस प्रोफेशन की डिग्निटी को कैसे मेंटेन कर लें। अच्छा, बहुत बातें हो गई, अब मैं आपके लिए कुछ छोटा सा क्विज करने वाली हूँ स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत जल्दी बताऊंगी मैं कि वो कौन से स्टूडेंट होंगे जो आपके सामने लाइव डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा आता भी है या नहीं। सो लेट्स नो और बने रहिए। तो चलो भाई फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इनको कितना आता है। चलो पूछते हैं सर से आपको क्या कुछ पढ़ा है इन्होंने, किस तरह से इन्होंने काम किया, क्योंकि ये डायग्राम्स तो आपने देख ली ना कि कितनी सुंदर है। तो भाई मुझे बताइए क्या नाम है आपका? रमनदीप। बताएगी कि ये अनॉटमेंट फिजियोलॉजी से क्या समझते हैं और अनॉटमेंट फिजियोलॉजी इनको क्यों अच्छा लगता है, क्या आपको अच्छा लगता सब्जेक्ट? कितना भी आपको समझ आया, आपको इस टाइम में क्या पता चला? मैंने बात की कि 20 से 25 के बीच का, ये 26 के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसमें आपने क्या सीखा, पहले आप क्या करते थे और अभी आपको इसका क्या बेनिफिट मिला है? तो बिल्कुल पास से ही आपसे बात करवाएंगे रमनदीप से। रमन बताओ देखने वालों को, जिससे कि मोटिवेशन मिले सभी और स्टूडेंट्स को भी और बाकी माई हैपनेस में आने वाली बहुत अपकमिंग फैमिली को। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 20 से पहले हमारा सिलेबस जो है टोटली कंप्लीट हो चुका है और हम फ्री रहते थे, और जब से 20 से शाली मैम ने हमें वर्क देना स्टार्ट किया, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना और उसके स्ट्रक्चर को लर्निंग करना और फंक्शन लर्न करना, और उस दिन से हमें काफ़ी जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और मैम ने और भी कुछ कई वर्क हमें दिया और हमें उसके बारे में काफ़ी नॉलेज हो चुकी है, और हम मतलब पहले जो हमें नहीं आता था अब हमें वो आ गया, और हमने मतलब हमारी जो मेहनत है जे मतलब जो हमारा हार्ड वर्क है कभी वेस्ट नहीं जाता, हमने जो मैम ने हमें वर्क किया और हम सब ने उसे किया, और हम जब जो मतलब हमें वर्क नहीं आते थे कुछ डायग्राम्स उनके फंक्शंस, वो अब हमें अच्छी तरह से आ गए हैं और हम जो है एग्ज़ाम में उसे कर सकते हैं। और हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें हमें जो है मतलब रिटर्न वर्क नहीं होता, उसमें जो हमें स्ट्रक्चर भी बनाने होते हैं, और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन, और इस कॉलेज से हमें बहुत एजुकेशन मिली है, इसलिए मैं थैंक यू करना चाहती हूँ मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल मैम का, और ख़ास शालिनी मैम का, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। थैंक यू मैम।
और अब मैं आपको बताऊंगी लाइव ही किस तरह से ये स्टूडेंट्स आपके सामने डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे ना भाई। बताना भी तो है ना कि बच्चों को कुछ आता है कि नहीं आता है, तो लेट्स नो कि कितना की आता है, किस तरह से वो सरप्राइज आपके सामने ड्रॉ करेंगे भाई। यहाँ पर फर्स्ट स्टूडेंट से पूछ लेते हैं रमनदीप। रमनदीप मुझे बताओ तुम क्या ड्रॉ करने जा रहे हो, आता है आपको? सच्चे पक्का पूछ लो। चलो फिर जो डायग्राम तुम्हें आती है ना, जो मैंने दी थी तुम्हें फर्स्ट से, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ लीवर। डायग्राम ऑफ लीवर ये बनाने जा रही है आपके सामने, देखिए बहुत नज़दीकी से। वेरी गुड। एंड जितनी जल्दी जो है ये बनाएंगी उतनी जल्दी, अब इनको मैं दे रही हूँ पूरा एक मिनट के अंदर अंदर जो है 1 2 3 स्टार्ट। अब हम इसका एक मिनट स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी कुछ टाइम में, 1 मिनट के अंदर ये लीवर की डायग्राम को ड्रॉ करेगी आपके सामने। देखिए कुछ इस तरह से, देखिए लीवर का, लीवर इज़ ए ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर, इसमें आपको थोड़ा सा दिखेगा तो थोड़ा सा ऐसे करो, आप देखिए फास्ट 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 रमन जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड। जितने भी बच्चे फटाफट कर रहे हैं आप देख सकते हैं किस तरह से इनके अंदर वो जोश देखने को मिल रहा है लीवर के पार्ट्स को। एनाटॉमी फिजियोलॉजी की रोजन विल्सन की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, लोटस पब्लिशर की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, मोजबी की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। अलग अलग तरह से हर एक बुक में अलग अलग डायग्राम्स दी होती हैं, तो ये इन्होंने कुछ इस तरह से जो है वो इंटीरियर व्यू जो है वो लीवर का बनाया है, इंटीरियर पार्ट ऑफ लीवर जो आपके सामने इसने फटाफट ड्रॉ कर दिया है, जितना भी इसको समझ आया और जितना भी इसको याद रहा हो। तो कहीं ना कहीं ये आपके सामने डायग्राम्स हैं ताकि बच्चों को भी पता चले कि वो जो बनाते हैं वो बिल्कुल ठीक बनाते हैं। सो थैंक यू रमन, आपको हम ज़रूर कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करेंगे। भाई फिलहाल आज का ये वीडियो है, कुछ ज़्यादा लंबा ना हो जाए, लेकिन इन स्टूडेंट के लिए एक और अप्रिसिएशन वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे महिमा। महिमा क्या बनाओगे? स्टमक बनाने जा रही महिमा। देखिए महिमा बी फास्ट, जल्दी जल्दी किस तरह से स्टमक बनाएगी महिमा। स्टमक क्या होता है पता है आपको? क्या होता है बताओ? स्टमक इज लाइक ए डी शेप मैम, मतलब कि हम जो भी खाना खाते हैं मैम इसमें कैसे डाइजेस्ट होता है, हम इसके बारे में सब कुछ बताता है, कैसे कैसे अंदर पूरी प्रोसेस होती है, जो भी हम खाते हैं कैसे कैसे ये डाइजेस्ट होता है। ओके ओके, चलो तो फटाफट डायग्राम ड्रॉ करेगी, बट कुछ इतनी खास मुझे लग नहीं रही, लेकिन देखो एनीवेज जैसा भी इसको आता है, लेट हर टू डू। स्टूडेंट को स्टार्टिंग में हम इतना डिस्करेज नहीं कर सकते, बट थ्योरेटिकली इसे पता है और ये ज़रूर करेगी। गुड, देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो बच्चों को, मुझे खुशी इसलिए हो रही है कि ये जो भी इन्होंने पढ़ा है वो मेहनत से पढ़ा है, क्योंकि इट्स रियली वेरी गुड इंकरेजमेंट टू ऑल स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं और जो भी देखने वाले होंगे। वेरी नाइस, थैंक यू महिमा, थैंक यू सो मच। तो कुछ इस तरह से इसने बनाया है, प्रैक्टिस करेगी और ज़्यादा महिमा, आप प्रैक्टिस करोगे इस डायग्राम को थोड़ा और ज़्यादा बड़ा और ब्रॉड तरीके से बनाना है, ठीक है? थैंक यू महिमा। आपने और आपके सामने ड्रॉ करने वाली है क्या? ड्रॉ करने वाली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यू नो व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे जो सेल होते हैं बॉडी में और उसकी कवरिंग लेयर। ओके वेरी गुड। तो चलो फिर ड्रॉ करेगी क्या आपके सामने ही स्टूडेंट ड्रॉ करेंगे फास्ट फास्ट ड्रॉ रहा तब तक हम आपको बताते हैं सोनिया बनाएगी आपके सामने सेल। तो सोनिया फटाफट बताइए सेल क्या होता है, सबसे पहले आप ये बताइए सेल क्या है? और मैं अपनी सारी क्लास के लिए आपसे आपके सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ क्लास में रिव्यू में। और मैं सबसे पहले गॉड का थैंक यू करती हूँ जो हमें बहुत सारी अच्छी ब्लेसिंग देते हैं। और मैं सबसे पहले और थैंक यू करती हूँ इंस्टीट्यूट का जो बहुत अच्छा है, और सबसे उसके बाद
थैंक यू करती हूँ मुनव्वर सर का, जिनके द्वारा हम यहाँ पे आए हैं और नई जगह को देखने को मिली है, और ये बहुत अच्छा हॉस्टल है जो, और यहाँ पे हम सारे गर्ल्स बहुत प्रोटेक्ट हैं और हमें बहुत अच्छे से रखते हैं यहाँ पे। और थैंक यू करती हूँ प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम और सारे टीचर्स का जो हमें बहुत अच्छे गाइडेंस करते हैं और बहुत अच्छे से हमें पढ़ाते हैं, और सारे नॉन स्टाफ का क्योंकि वो भी बहुत अच्छे हैं और अच्छे से हमारा ध्यान रखते हैं। और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ और सभी का भी, और प्लीज़ आप थैंक यू मैम शालिनी मैम खास करके स्पेशली, क्योंकि आपने हमें 5 दिनों में बहुत ज़्यादा स्टडी करवाई है और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज़ हुआ है। और मैं आपका यही चाहती हूँ कि आपको गॉड बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे और आप लाइफ में और ज़्यादा सक्सेस हों, और ये हमारी वीडियो और ज़्यादा मतलब सारे लोग देखें, और नेक्स्ट और ज़्यादा हम वीडियो में ज़्यादा और कॉन्फिडेंस का साथ सकें। थैंक यू मैम, बहुत बेस्ट मैम। यहाँ पर शायद आपको भी अच्छा लग रहा हो और हमें भी अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स को कुछ सीखने को मिलता है और हमें भी मिलता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जिस हमें बचपन से सुनने को मिला है कि जो स्कूल होते हैं या कॉलेज होते हैं वो विद्या का मंदिर होते हैं। जब हम इस जगह को मंदिर कहते हैं, मंदिर मतलब प्लेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, प्लेस ऑफ ग्रोथ, प्लेस ऑफ डेवलपमेंट, तो कुछ इसी तरह से हमारे कॉलेज में भी हर काम को हमेशा ही फर्स्ट टाइम पर रखकर हर काम को शुरू किया जाता है। जहाँ पे भी आपका जहाँ भी कनेक्शन है, आप इनरली अपने कनेक्टेड होकर अपने गॉड से, अपने क्रिएटर से कोई भी काम करते हैं, वो काम हमेशा ही बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग इन दिस प्लेस, जिससे कि बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, और कहीं ना कहीं हम उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट होते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा, तो हम हर भी थैंक यू करना चाहते हैं हमारे कॉलेज की मैनेजमेंट, प्रिंसिपल मैम, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, हर एक के लिए कि जो हमेशा ही हर स्टूडेंट के लिए अपने एफर्ट्स देते हैं, और हर टीचर हर स्टूडेंट ही अपने टीचर्स का अपने टीचर्स को ओबे करते हैं, और टीचर्स भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं। ये सब कुछ हो पाया हमारे कॉलेज के सभी मैनेजमेंट और प्रिंसिपल मैम के कारण। सो थैंक यू सो मच ये सब चीज़ों को देखने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और मिलते हैं एक और खास वीडियो।